एनवी न्यूज, ए रे ऑफ पॉजिटिविटी। भारत के अग्रणी एकल टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देवबर्मन ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। यही नहीं, उन्होंने चीन के द व्यू को हराकर वहां जारी $1,00,000 इनामी ONGC गेल दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि क्या वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। सोमदेव ने बुधवार को दिल्ली लॉन टेनिस संघ परिसर में खेले गए दूसरे दौर के मुकाबले में चीन के द व्यू को हरा दिया। सोमदेव ने मात्र एक घंटे में यह मैच अपने नाम कर लिया। सोमदेव ने वू को 6-3, 6-2 से पराजित किया। मैच के बाद सोमदेव ने कहा, स्कोर के उलट यह मैच काफी कठिन रहा। सोमदेव ने कुछ अच्छे शॉट लगाए जिसकी वजह से उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। सोमदेव ने बताया कि कोर्ट थोड़ा धीमा है और उनके खेल को सूट कर रहा है। उनके मुताबिक इस कारण वह अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों से बेहतर स्थिति में है और अगले मैचों में बेहतरीन खेल दिखाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या सोमदेव अपना सेमीफाइनल मुकाबला भी इसी तरह जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना पाते हैं कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज़। एनवी न्यूज़, ए रे ऑफ पॉजिटिविटी।